वेलकम बैक। इन दिस वीडियो मैंने आपको दिखाने वाला है जे हाउ टू इंसर्ट डिलीट एडिट मल्टीपल डाटा एट ए टाइम एंड हाउ टू इंसर्ट डेटा how to edit data, how to delete multiple data at a time. So before I start coding, let's create the database. The database is data insert. Now create the table. Just तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, जैसे कोई बिल एंट्री होगा, बिल एंट्री करना है, बिल एंट्री में क्या होता है, मल्टीपल आइटम एंट्री करना पड़ता है ना, परचेज बिल बोलो, सेल बिल बोलो, ऑर्डर एंट्री बोलो, व्हाट एवर, जो भी एंट्री करना है उसमें जो भी मल्टीपल डेटा जिस टाइप का लाइव प्रोग्रामिंग में होता है, जे एक बिलिंग एंट्री करना है, बिल एंट्री करना है, भाई परचेज बिल एंट्री करना है, भाई सेल बिल एंट्री करना है, बा एक ही डेट में काफ़ी सारा डेटा को इंसर्ट करना है, तो उस टाइम हम लोग किस हिसाब से उस डेटा को इंसर्ट करेंगे, उस डेटा को एडिट करेंगे, उस डेटा को डिलीट करेंगे। अगर एक ही डेट में काफ़ी सारा एंट्री हमको करना पड़ता पड़ेगा तब हम कैसे एंट्री करेंगे। ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में दैट इज द मेन फंडा कि किस हिसाब से हम मल्टीपल डेटा को एंट्री करेंगे, है ना। हम लोग पकड़ लेते वाउचर एंट्री, वाउचर नंबर, एक डेट, एक हो गया कोड, ट्रांजैक्शन कोड, एक हो गया पार्टी नाम, एक हो गया नरेशन। नरेशन में हम लोग ये करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट देंगे। एक हो गया अमाउंट। तो ये सब फील्ड को हम यूज करेंगे मेरा ये ट्यूटोरियल में। टू फाइव फाइव Now our table is created. अभी मेरा next step जी how to connect this database using PHP, right? पहले हम लोग इसको पहले हम लोग का काम होगा डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखना। यूजर नेम रूट, पासवर्ड, और हमने हर टाइम
पीडीओ यूज करता हूं। डाटाबेस कनेक्शन के लिए ट्राई मेन कॉन न्यू पीडीओ MySQL पोस्ट 127 डीबी यूजर नेम एंड लास्ट में पासवर्ड। तो इसको हम सेव करते हैं कनेक्शन डॉट पी एच पी, राइट। नेक्स्ट मेन कॉन इज इक्वल टू सेट एट्रीब्यूट ब्यूट पीडीओ एरर मोड पीडीओ मोड एक्सेप्शन। इतना हो गया, अभी कैच। पीडीओ एक्सेप्शन डॉलर ई कट ब्रैकेट, यहाँ पर आप कुछ मैसेज दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। सो ये मेरा एक काम हो बन गया, डेटाबेस कनेक्शन। मेरे को एक चीज और बन इसमें इंक्लूड करना, दैट इज सेशन, स्टार्ट सेशन। स्टार्ट सेशन में ओ बी स्टार्ट एंड सेशन स्टार्ट, ये दोनों को हमको इसमें इंक्लूड करना है। इस फाइल को रिक्वायर वंस इंक्लूड सेशन डॉट पी एच पी। तो ये मेरा काम बन गया। अभी ये जो आप देख रहे बिल्ड, ये सब सी एस एस का फाइल है। इसमें मैक्सिमम मेरा जो सी एस एस फाइल है इसमें उतना कुछ लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत सी एस एस हमको इसमें यूज़ करना है। तो इसमें एक फाइल बनाते हैं जो मेरे को मैं पहले जो करने वाला हूँ, दैट इज डिस्प्ले द एग्जिस्टिंग डेटा लिस्टिंग, क्योंकि वो लिस्टिंग में ही हम लोग ऐड एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन देने वाला हूँ। इंडेक्स डॉट पी एच पी हम यहाँ पर डेट भी कर देता है एशिया कोलकाता रिक्वायर वंस कनेक्शन दैट कनेक्शन पीएचपी। इसमें अभी हम जो करने वाला हूँ
वो जो टेबल हम लोग डिक्लेयर किया था, क्योंकि हमको लिस्टिंग वहाँ से लेना है ना, वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे माई STMT मेन कोड, मेरे को इधर डिस्प्ले करना है ना। पहले हमको माने एक डिस्प्ले का जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एग्जिस्टिंग टेबल, एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं भी होता, मेरे को ये पहले वाला, ए वाला फंडा, ए वाला पार्ट को हमको करना ही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें क्या होगा, ये जो मेन्यू होगा, ये जो फर्स्ट मेन्यू होगा, इस मेन्यू से आपको ऐड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डेट एक देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, डी एम एंड वाई एज डेट। उसके बाद आ रहा है पार्टी नेम, उसके बाद आ रहा है नरेशन, उसके बाद अमाउंट फ्रॉम TBL STMT एग्जीक्यूट STMT ना रिजल्ट इज इक्वल टू TMT फेज ऑल PDO ये मेरा लिस्टिंग के लिए जितना भी कोडिंग चाहिए मैं इसमें लिख दिया। अभी हमको जो कोडिंग हमको लेना है बा करना है वो हो गया HTML पार्ट। इसमें टाइटल दे देते हैं मल्टीपल डेटा एंट्री एंड डेटा ऐड एडिट डिलीट एंड लिस्टिंग राइट। इसमें हम ज़्यादा इसमें हम हाँ ये नहीं करेंगे, मेरा मेरे मेरे पास कुछ HTML फॉर्मेट बना हुआ है, मैं वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ये सब मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है। यह से हम लोग पूरा ले लेते हैं, उसके बाद इसमें जो जो चीज हमको नहीं चाहिए वो हम यह से डिलीट कर देंगे। तो इसमें हमारा कुछ ऑप्शन डाले हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का CSS है, ASCSS एंड क्लाउड,
CSS एंड प्लगइन के बूटस्ट्रैप डाटा टेबल का यूज किया हुआ है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये एक मेनू सिस्टम है, एक ये करना है आपको मालूम पड़ेगा। वन टू टाइम जोन रशियन डेटा डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट सेट सॉरी नो सर्च फाइल कनेक्शन कनेक्शन तो ठीक ही डाला है। कनेक्शन पीएचपी require ones number 3 connection spelling mistake marker kuch unexpected 9 set attribute video attribute expected ये गलत लिखा हुआ था जी। ये आपका एक डिजाइन आ जाता है कैसे एक रिसीव एंट्री हम यहाँ पर ये क्या आप देख सकते हैं जी। ये जब CSS है एक बॉडी पार्ट है ठीक है ना। ये टॉप यहाँ पर हम लोग हमने एक किया है यहाँ पर हम ऑप्शन डाले हैं ये डेटा टेबल के थ्रू और यहाँ पर आपका ये देख लीजिए फॉर ईच या के थ्रू आपको फॉर ईच के रिजल्ट वो जो यहाँ पर जो हम रिजल्ट डिक्लेयर रिजल्ट का जो वेरिएबल डाले थे ये वेरिएबल के थ्रू ये ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए। जो जो नरेशन वगैरह है ये हम डाल दिए हैं डाल के हमको ए वाला ऑप्शन आ गया। सो आज के लिए इतना है।
नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाने वाला है ऐड एडिट एंड डिलीट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द वीडियो। थैंक यू।